रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम तीन इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। चलिए एक बार समझते हैं, जॉर्जिया की राजधानी क्या होगी, कैपिटल क्या होगी? कोई नहीं बताएगा, हाथ खड़ा करेंगे, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। तो जॉर्जिया की कैपिटल, ठीक है, नीचे कर लीजिए, बताइए करमजीत। टाइम नहीं है, टाइम की कमी रहती है। हाँ मंसीरत, हाँ तिबलिसी, तिबलिसी इज़ द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया। ओके आर्मेनिया, ओके नीचे करिए। हाँ जी विष्णु, पूरी मोहब्बत से बोलते होते हैं, येरेवन। ओके जैसे इमेजिन करो वहीं के नागरिक हो, कैसे बोलेंगे वो आर्मेनिया, येरेवन। तो इट्स येरेवन। एंड अजरबैजान नीचे करिए। हाँ जी मीना, सो इट्स बाकू। सो तीन ऐसे देश पढ़ेंगे हम, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया की राजधानी तिबलिसी, आर्मेनिया की येरेवन और अजरबैजान की बाकू। ये वैसे तो तीन इंडिपेंडेंट मुल्क हैं इस धरती पर, और अगर ध्यान से देखा जाए तो जब आप एटलस पे एशिया का मैप देखते हैं तो ये आपको एशिया के वेस्ट में मिलेंगे, ये तकनीकी रूप में तो उसी में आपको मिलेंगे, लेकिन ऑथर ने इसको ट्रांस कॉकेशियन रीजन के रूप में रशिया में गिन के पढ़ाया है। उसका रीज़न उन्होंने क्या बताया है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम ये वर्ड ट्रांस कॉकेशियन ही समझ लें कि कहना क्या चाह रहे हैं वो, पहले हम इसे समझ लेते हैं। आइए हम इस चीज़ को समझें। देखिए अगर हम इसे इमेजिन करें, ये तो इस समय जो हमें दिख रहा है ये यूरोप दिख रहा है। मैप इमेजिन कर लीजिए पूरा ग्लोब का अपने दिमाग में। तो यूरोप में देखिए, स्पेन से चलना शुरू करिए पैदल, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, मल्दोवा, यूक्रेन, रशिया तक आ गए आप। रशिया से नीचे जब आप जा रहे हैं तो ये रशिया का साउदर्न बॉर्डर बन रहा है, येलो कलर तक रशिया है, इन कंट्रीज़ के साथ। ये बॉर्डर लाइन किसने बनाई, ये एक नेचुरल फिज़िकल फीचर ने बनाई। आइए पॉलिटिकल मैप से शिफ्ट होते हैं फिज़िकल फीचर देखने के लिए, फिज़िकल मैप की ओर। तो दिस इज़ द फिज़िकल मैप। तो ये इतना तो जूम शायद नहीं कर पाएंगे, कर पा रहे हैं, हाँ कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं जो दिखाना चाहता हूँ, लुक एट दिस, दिस इज़, ऊपर मार्क कर देता हूँ, ये है कॉकेसस माउंटेन। कॉकेसस माउंटेन महत्वपूर्ण माउंटेन, क्यों? पूरे यूरोप और रशिया को काउंट कर लें अगर हम, तो ये यूरोप और रशिया को काउंट करें तो ये टॉलेस्ट यानी कि लॉफ्टीएस्ट माउंटेन है। सीधी सी बात आपको, ये तो हाईएस्ट माउंटेन है। अमूमन बच्चे गलती इस बात की करते हैं कि जैसे यूरोप के जो एल्पस माउंटेन हैं जिन्हें एल्प्स भी कहते हैं, शायद वो टॉलेस्ट हैं, नहीं उनसे भी टॉलेस्ट हैं ये कॉकेसस, द कॉकेसस माउंटेन्स। ओके और यहाँ पर आता है एक, इस कॉकेसस माउंटेन रेंजेस में जैसे हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, तो उन माउंटेन रेंजेस में कोई माउंटेन पीक तो होगी जो हाईएस्ट होगी, जैसे माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर कहीं कहीं पे लिखा होता है, कहीं पे 8850 मीटर। ओके लेकिन वो भारत में तो नहीं है, तो भारत की हाईएस्ट तो नहीं हुई, टॉलेस्ट तो नहीं हुई, और भारत की है, दैट इज़ द कंचनचंगा। ओके कंचनचंगा हिमालयन रीजन की, ट्रांस हिमालय में जब चले जाएंगे इट इज़ K2। वो ट्रांस हिमालयन है ना कमल, एकदम से हो गए कि पता नहीं क्या हो गया, बस यही फ़र्क है, घबरा इसलिए जाते हैं बच्चे। कंचनचंगा हिमालय में आती है, हिमालयन श्रृंखला में आती है। ट्रांस हिमालय तो फिर मेरे बच्चे दुनिया ही है, पूरी साइबेरिया तक, आर्कटिक ओशन ट्रांस हिमालय ही है। ओके उस हिसाब से इट इज़ द K2। भारत की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, K2। भारत में हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है, कंचनचंगा।
अब गलती तो नहीं होगी कभी। ओवरऑल इंडियन लैंडमास की हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2। और इंडिया हिमालय जो है इंडिया में उसकी हाईएस्ट कौन सी है? कंचनजंगा। तो इसी तरह से इस कॉकेसस माउंटेन रेंज की भी एक हाईएस्ट पीक है, एंड दैट इज दिस, नीचे लिखा हुआ है, इट इज माउंट एल्बरस। माउंट एल्बरस या एल्बरस, जेड लगा लीजिए। एस अपने आप ही एमसीक्यू हो रहे हैं, लेकिन हम तो एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस कौन सी हुई मानकप्रीत? यूरोप की और रशिया की। क्या नाम है उनका, जोर से बोलो, स्पेलिंग लिखवाओ मुझे, बोलो स्पेलिंग लिखवाओ, क्या लिखूं मैं? C A U C A C A। हाँ वो तो फिर हम जब उस रीजन की बात करेंगे। कॉकेसस बोलो, गुड, थोड़ा सा काम करेंगे काम हो जाएगा। सो कॉकेसस यूरोप और रशिया की टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस, और हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस, कोई पूछे ये किन दो मुल्कों के बीच आती है? रुचिका, दो मुल्क कौन से हैं जिनको ये माउंट पीक ये माउंट एल्ब्रस बांट रहा है, वो दो मुल्क कौन से होंगे? ध्यान से समझो, ये बनाया मैंने माउंट एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस ऐसे बनाया करो घर पे, और इसके उत्तर में जो मुल्क है इट इज़ रशिया, इसके दक्षिण में जो मुल्क है इट इज़, सारे हाथ खड़ा करो, मैं पूछूंगा अपने आप, दक्षिण में कौन सा मुल्क है? वेरी गुड, नीचे करो हाथ। हाँ जी मानकप्रीत, जॉर्जिया, इट्स ब्यूटीफुल। दक्षिण में इसके जॉर्जिया, उत्तर में इसके रशिया, तो ये जॉर्जिया रशिया को डिवाइड करता हुआ माउंट एल्ब्रस। ओके, क्लियर हुई कहानी, और हमने देख लिया है फिजिकली, लेकिन हमने कुछ और भी देखा, वो क्या? अब मैं फिजिकल मैप से पॉलिटिकल पे आ जाऊं, तो ये लाइन एक्चुअली माउंट एल्ब्रस की लाइन है। ओके विष्णु, एक मैप दो अपना, ये लो, इसको साथ साथ फॉलो करो। ये लाइन एक्चुअली माउंट कॉकेसस की लाइन है। डन, तो ध्यान से देखिए, अगर रशिया को मैं यहाँ पर यूरोप में काउंट कर रहा हूँ, दिस इज़ द वेस्टर्न रशियन रीजन, इट इज़ द पार्ट ऑफ यूरोप, तो ये यूरोप में है, और ये सारा रीजन पॉलिटिकली एशिया में है, तो कॉकेसस रीजन जो है ये यूरोप और एशिया के बीच में डिवाइडिंग लाइन है ना, तो कॉकेसस रीजन और कॉकेसस माउंटेन यूरोप और रशिया के बीच में, यूरोप और रशिया के बीच में डिवाइडिंग लाइन है, तो कॉकेसस माउंटेन आर डिवाइडिंग द यूरोप एंड रशिया एशिया, एंड स्पेसिफिकली कंट्री रशिया और जॉर्जिया। जॉर्जिया इज इन द एशियन साइड एंड रशिया इज इन द यूरोपियन साइड। क्लियर, डन, आप देख सकते हैं आपके सामने है नॉन कलर्ड एरिया ऑफ एशिया, और आपके सामने है द कलर्ड एरिया ऑफ यूरोप, बेसिकली दिस येलो कलर इज द रशिया, और ये एक तरह से कॉकेसस रीजन एशिया और यूरोप के इंटरसेक्शन पे भी तो है, क्योंकि ये आवागमन का रास्ता रहा है, दिस वाज द रूट ऑफ आवागमन, आने जाने के लिए, सो इट इज ऑन द इंटरसेक्शन रीजन। इसका ईस्टर्न एंड कैस्पियन सी में जाता है, इसका वेस्टर्न एंड ब्लैक सी में जाता है, तो ये कैस्पियन और ब्लैक सी को भी डिवाइड कर रहा है, हमें देखा, चलिए वेरी गुड। अब ये कॉकेसस माउंटेन ऐसी लाइन के तरह तो नहीं होंगे, इतने पतले से तो नहीं होंगे जैसे हमारे हिमालयन, अब हिमालयन माउंटेन की बात करें तो ध्यान से सोचो, माउंटेन माउंटेन में ही हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, नेपाल है, चीन है, भूटान है,
सब तो उसी में ही हैं, सोचने वाली बात है। हालांकि चीन की बात करें तो वो ट्रांस हिमालयन है, हिमालय के उधर है, लेकिन घुसा पड़ा है इधर उधर। ओके, तो जिस तरह से भारत के ये राज्य, हमारे तो राज्य इतने बड़े हैं जितने बड़े मुल्क होते हैं दुनिया के। जैसे मैं उदाहरण से एक बात बताता हूँ, मुझे सोच समझ के बताओ जॉर्जिया की जनसंख्या कितनी को होगी, 3.7 मिलियन, मात्र 37 लाख लोग पूरे मुल्क की आबादी हैं, और पंजाब की लगभग 2.75 करोड़ 2011 के आंकड़े के मुताबिक, अभी तक तो 4 करोड़ से ऊपर गई होगी। अकेला पंजाब अपना 4 करोड़ के बुल्ले मार रहा है पूरे, और पूरा जॉर्जिया एक मुल्क 37 लाख। इमेजिन, यहाँ तो IBPS PO का फार्म भरने के लिए 50-60 लाख लोग उमड़ पड़ते हैं। RRB की परीक्षाओं के लिए, रेलवे बोर्ड की जो परीक्षा रहती है, करोड़ों की तादाद में युवा उमड़ पड़ते हैं। वहाँ जनसंख्या 37 लाख है भाई। पर डे हमारे देश में 4 करोड़ लोग रेल में यात्रा करते हैं। मतलब जब यहाँ इस समय रंजीत मुझे सुन रहे हैं, देश में इस समय लगभग 4 करोड़ लोग रेलगाड़ियों में ही हैं। सोचो कितनी बड़ी बात। और कुल कैनेडा की जनसंख्या 3 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया की 2.5 करोड़, और अपने 4 करोड़ तो रेल ही गाड़ियों में हैं। मतलब हमारी रेलगाड़ियाँ अपने आप में दो मुल्क हैं, इतने लोगों को होल्ड किए हुए हैं। मतलब एक मुल्क उसमें भी एक और सिस्टम, ये बात है। अभी हमने ये नहीं लगाया कितने बसों में बैठे हैं, कितने कारों में बैठे हैं, उनको लगा लो सब क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो कॉकेसस होंगे भाई सुभाष, ऐसी कोई पतली सी लाइन तो नहीं होंगे, इनमें भी मुल्क होंगे। इसी तरह से इन पर्वतों का ये जो उत्तरी छोर है, ये पर्वत मैंने यहाँ जो बनाया है, एक्चुअली में 3 डायमेंशन में तो ये ऐसे है ना, ऐसे है ना, ये उत्तर की दिशा में रशिया है, ये दक्षिण वाली साइड पे है ना, ये कंट्रीज़ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो इसलिए ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, इन पर्वतीय क्षेत्रों में ये मुल्क आते हैं। यानी कि कॉकेसस के दक्षिण में, कॉकेसस का दक्षिणी इलाका, तो रशिया की तरफ से अगर मैं देखता हूँ इसे, मैं रशिया में खड़ा हूँ इधर, तो मेरे लिए जब मैं जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान की बात करता हूँ, वो कॉकेसस के ट्रांस है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान ट्रांस हैं, उसके परे हैं, तो इसलिए ट्रांस कॉकेसियन कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज? ट्रांस कॉकेसियन कंट्रीज, तो वर्ड है ट्रांस कॉकेसिया, और कंट्रीज कितनी? 3। जैसे वर्ड है ट्रांस हिमालया, वैसे वर्ड ट्रांस कॉकेसिया, तो हम उन्हें पढ़ रहे हैं। पर्वत आएंगे यहाँ पे, पर्वतों में बसे हुए हैं। ओके, चलें आगे। अब इन ट्रांस कॉकेसियन कंट्री में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं जॉर्जिया को। जॉर्जिया के बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करो अच्छे से। ये मार्कर बहुत लगता है भाई, और जहरीली है इसकी इंक, शरीर के लिए अच्छी नहीं है। देखो, जॉर्जिया एक बहुत ही पुराना मुल्क है, एक पुराना कल्चर है, कोई नया नहीं है। आरंभ ऐसा माना जाता है कि किसी ज़माने में 13th century BC में इसका आरंभ हो गया था। मतलब बहुत ही एंशियंट किंगडम्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती रही हैं। तो एक पुरानी विरासत है जॉर्जिया की, कोई नया जन्मा सिस्टम नहीं है। बहुत सी एंशियंट किंगडम्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती रहीं। एक समय ऐसा भी आया जब 13th AD में, जब मैं 13th century BC की बात कर रहा हूँ तो हम बहुत पीछे की बात कर रहे हैं, यानी कि हम समवेयर 1201 या 1202 या 1250 BC की बात कर रहे हैं, द बिफोर कॉमन एरा। ओके, और जब मैं 1212th century की बात कर रहा हूँ, 13th century की बात कर रहा हूँ कॉमन एरा में, तो मैं बात कर रहा हूँ समवेयर 1100-1200 AD की। तो उस समय के BC पीरियड के आरंभ हुए वो एंशियंट किंगडम्स के दौर, कल्चर नर्चर होते 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 एक समय ऐसा भी आया कि 12th-13th century
कॉमन एरा या एडी में ये अपने गोल्डन एज में पहुँचे हैं। जैसे भारत की बात करते हैं तो एंशियंट प्राचीन इतिहास हमारा बहुत पुराना है, बड़ा वृहद भी है। उसमें एक सबसे बड़ा पहला पड़ाव जो आया था वो था इंदस वैली सिविलाइजेशन 2500 BC। उसके बाद द वैदिक सिविलाइजेशन, उसके बाद द महाजनपदास, देन मौर्यास, देन पोस्ट मौर्यास और अंततः जाके गुप्ताज आते हैं। 319 और 20 AD है जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गद्दी पर बैठते हैं। इस फेज में जा करके आएगी एंशियंट पीरियड की गोल्डन एज। लेकिन एक तिलिस्म आएगा पूरी धरती पे, ये होगा गोल्डन एज आने के बाद हमेशा वो समाज वो संस्कृति फिर गिरावट की ओर बढ़ते हैं। तो गोल्डन एज जैसे पिछले कई सौ या हजारों वर्षों से चली आ रही राइटिंग की फील्ड में, लैंग्वेज की फील्ड में, राइटिंग मैंने स्क्रिप्ट की फील्ड में, लैंग्वेज की फील्ड में, लिटरेचर जिसे आप कह सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में, किंगडम की फील्ड में, रूल रेगुलेशन, रेवेन्यू सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, तो कई सौ या हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं इन सब क्षेत्रों में ये कोई शायद मैच्योर फेज होता है, द कल्मिनेशन फेज, द पीक पीरियड। और जैसे ये किसी कर्व का टॉप होता है, क्रेस्ट, उसके बाद आती है फिर गिरावट, फिर इस ट्रफ के बाद फिर से कभी क्रेस्ट आएगा, ऐसा होगा और आप देखेंगे। ओके, तो दैट इज़ द सिस्टम। तो इस तरह से ही हमारे गुप्ता काल की भी गोल्डन एज है और वो पीछे से चली आ रही बहुत सी प्रक्रियाओं का एक आप समझ सकते हैं द क्लाइमैक्स वर्जन था, चाहे वो फिर वेदों का संकलन हो पूरी तरह से, या रामायण का, या पुराणों का, या महाभारत का, हर चीज़ का प्रक्रिया पीछे से चली आ रही थी इस समय में फाइनलाइज हो जाएंगी, चाहे वो स्क्रिप्ट हों या लैंग्वेजेस हों। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ होगा। उसके बाद जब 12th और 13th सेंचुरी कॉमन एरा की बात करें, उसके बाद ये डिक्लाइन की ओर रहे। जॉर्जिया लगातार आक्रमणों का केंद्र रहा, क्यों रहा होगा आइए समझें, देखें कि किसने किया होगा आक्रमण। जॉर्जिया की लोकेशन देखेंगे अब हम, फिर चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए दिस इज़ जॉर्जिया, पहले आप वर्ल्ड एटलस के मैप पर देखिए, दिस इज़ जॉर्जिया। ओके, क्या समझ आया हमें जॉर्जिया से? ये समझ में आया किरण ज्योत कि जॉर्जिया को नॉर्थ से बॉर्डर करता है रशिया। हमें ये समझ में आया किरण ज्योत कि जॉर्जिया को नॉर्थ ईस्ट से भी बॉर्डर करता है रशिया ही, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में रशिया है। जॉर्जिया के ईस्ट में ध्यान से देखिए तो अजरबैजान है, जॉर्जिया के साउथ में आर्मेनिया, और साउथ और साउथ वेस्ट में तुर्की है, द टर्की। जॉर्जिया के वेस्ट में ब्लैक सी है, तो जॉर्जिया लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, जॉर्जिया को समुद्र लगता है, दैट इज़ काला समुद्र, ब्लैक सी वो लगता है। लेकिन गलती नहीं करनी, जॉर्जिया को कहीं पे भी ईरान टच नहीं होता। सिविल सर्विसेज अक्सर ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है ये जांचने के लिए कि जब ये बच्चा पढ़ रहा था ध्यान से पढ़ रहा था कि नहीं पढ़ रहा था, उसको ये दुनिया भर के बॉर्डर नहीं जानने आपसे, बट जहाँ जहाँ ध्यान भटकने के पॉइंट बनते हैं, जैसे यहाँ पे कन्फ्यूजन का एक पॉइंट बनता है कि अक्सर आप ये कह देंगे कि ईरान तो नीचे है तो वो तो लगता ही होगा, नहीं लग रहा है क्योंकि रास्ते में आर्मेनिया आ रहा है। ओके, तो ये हमने देखा, ये इसका बॉर्डर था। अब मैं आपको इसका एक बड़ा वर्जन भी दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप थोड़ा क्लैरिटी के साथ इसको देखें, अप्रोच करें। हम जिन कंट्रीज़ को देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे अब आपको ये प्रॉपर दिख रहा है, तो दिस इज़ जॉर्जिया। ओके, अब आपने ध्यान से देखिए, जॉर्जिया तो पिंक कलर में आपको दिखाया गया है, वेस्ट में ठीक है ब्लैक सी है, नॉर्थ में ये सारा का सारा रशिया है, नॉर्थ ईस्ट में रशिया है, ईस्ट और साउथ ईस्ट में अजरबैजान है, साउथ में आर्मेनिया है, साउथ वेस्ट में तुर्की है, और वेस्ट में यहाँ पर सेक्सी है। लेकिन हमने कुछ ध्यान से समझना है, वो क्या समझना है? अगर ध्यान से देखें तो ये येलो वाला है तो सारा रशिया, एक है डार्क येलो, एक है लाइन वाला येलो,
ये जो लाइन वाला येलो है ये तो मेन रशिया, और जो उसके अंदर ये डार्क येलो वाले हैं ये रशिया के अंदर आने वाले ऑटोनॉमस रिपब्लिक्स, दैट इज़ द ऑटोनॉमक रशियन रिपब्लिक्स, रशियन फेडरेशन का पार्ट। तो ध्यान से आपने देखना है कि जॉर्जिया को मेजॉरली रशिया का जो हिस्सा टच कर रहा है वो रिपब्लिक्स टच कर रहे हैं रशिया के, ओके? दूसरी बात, हमने जॉर्जिया तो पिंक कलर में देखा, लेकिन ये क्या देखा हमने, जॉर्जिया में भी हमें कुछ और दिखा, वाइट और पिंक लाइन वाला एरिया। ये वाइट और पिंक लाइन वाला एरिया है साउथ ओसेटिया, साउथ ओसेटिया, और ये वाला है अबखाजिया, अबखाजिया। ध्यान से देखिए, अबखाजिया को ब्लैक सी लगता है, और ध्यान से देखिए जॉर्जिया और अगर रशिया के बीच में जब मैं बॉर्डर की बात कर रहा हूँ तो जॉर्जिया का अबखाजिया वाला हिस्सा रशिया से यहाँ बॉर्डर से, यानी कि रशिया के नॉन रिपब्लिक बॉर्डर को कौन शेयर कर रहा है जॉर्जिया की तरफ से, अबखाजिया, ओके? और अगली चीज़ यहाँ पर आता है द अदजारा, ओके? ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, क्लियर? तो साउथ ओसेटिया, अबखाजिया हमने देख लिया, अब इसको मैं एक आपको दूसरे मैप से भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, देखिए ये जॉर्जिया है, तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि ये ऊपर रशिया है, तो रशिया से टच कर रहा है बॉर्डर साउथ ओसेटिया का और अबखाजिया का, अबखाजिया, डन? रीज़न था ये, इसलिए मैंने समझाया, ओके? अब हम वापस से अपने एटलस वाले मैप पर आते हैं, ताकि मैंने जो कहानी बताई उसको समझ पाएँ कि जॉर्जिया हमेशा आक्रमणों का केंद्र रहा है, अटैक और इन्वेजन्स का सेंटर रहा है, ये भी वहाँ के कल्चर को प्रभावित करता है। वो कैसे, देखिए जॉर्जिया की लोकेशन देखिए, ओके, दिस इज़ द जॉर्जिया। अब अगर मैं आपको बताऊँ, पूछूँ कि किन इतिहास में, अगर हम इतिहास बनाने लगें पिछले 2000 साल का इस क्षेत्र का, तो किन किन शक्तियों से प्रभावित रहा हो सकता है, सोचिए। सबसे पहले इस रीजन तक पहुँचे, मंगोलिया से शुरू होकर के इस रीजन तक आए कौन, द मंगोल्स, चंगेज़ खान। तो ये मंगोलों की इन्वेजन झेलता रहा पहले तो, क्योंकि मंगोल एम्पायर यहाँ तक आता था। जब मंगोलों के आक्रमण ख़त्म हुए होंगे तो किन के आक्रमण शुरू हुए होंगे, आक्रमण शुरू हुए तुर्की ओटोमन, सो तुर्की के ओटोमन रूलर्स, द ओटोमन तुर्क शासक। तो ओटोमन तुर्कों ने आक्रमण शुरू कर दिए, उसने कब जाना शुरू कर दिया, जब वो ठंडे हुए होंगे तो आक्रमण किनके शुरू हो गए होंगे, नीचे से ईरान, दैट इज़ द पर्शिया, और फिर बात आती है ऊपर वाले रशिया, देन द रशियन एम्पायर, सो मंगोल एम्पायर, द ओटोमन तुर्क एम्पायर, द पर्शियन एम्पायर, द रशियन एम्पायर। तो ये मुल्कों की कहानी ये रही कि ये मैंने बताया इंटरसेक्शन पे आते हैं, और विश्व के ये 3 से 4 ऐसे एम्पायर जिनकी पॉलिसी रही एक्सपेंशन की, तो उन्होंने इन मुल्कों को फिर छोड़ा नहीं, क्योंकि अब ये रस्ते में आते हैं तो छोड़ कहाँ से दें, इस वजह से इन्वेजन्स देखने को मिलेंगी। कल्चर में परिवर्तन भी इन्हीं कारणों से देखने को मिलेंगे। इतनी बात समझ में आई, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं, वेरी गुड। 18th और 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के अंत में, 19th सेंचुरी के आरंभ में, दोनों फेज आपस में जुड़ रहे हैं ना, ठीक हो बेटा? 18th सेंचुरी के एंड और 19th सेंचुरी के आरंभ में रशिया ने इन कॉकेसस के दक्षिणी क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया था, द रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर का हिस्सा ये कोई बहुत पुराने नहीं है, कितने पुराने हैं रूपाली, ये रशियन एम्पायर का हिस्सा 18th और 18th सेंचुरी के शुरुआती दौर या एंड, लेटर एंड 18th स्टार्टिंग 19th, वेरी गुड। तो उस समय में इन कोकेसस के दक्षिणी क्षेत्रों को रशियन एम्पायर ने अपने अंदर करना शुरू कर दिया, तो ये कोई बहुत पुराने उनके अंडर नहीं है। तो ऐसे में जैसे ही रशिया एम्पायर टूटा, कब टूटा होगा रूपाली, रशियन एम्पायर कब टूटा, कौन सी डेट, कौन सा ईयर था, किरण जोत बताएगी। रशियन एम्पायर मेरी बच्ची
एम्पायर, यूएसएसआर नहीं, रशियन एम्पायर। मानकप्रीत कब टूटा होगा? 1917, रशियन एम्पायर 1917, ठीक है, ओके, गुड, क्लियर। तो ये कोई बहुत पुराने मुल्क रशियन एम्पायर के अंडर, ऐसा नहीं, 1917 में रशियन एम्पायर ख़त्म हुआ। तो आपको मैं एक बात बता दूं कवलजीत, कि एक ब्रीफ पीरियड के लिए 1918, 1920, 1921, इस ब्रीफ पीरियड के लिए जॉर्जिया इंडिपेंडेंट रहा, लेकिन फिर क्या हुआ, 1922 में यूएसएसआर गठन हो गया। तो 1918 में जब रशियन एम्पायर 1917 में ख़त्म हुआ और रेवोल्यूशन अक्टूबर में था, तो आगे नवंबर दिसंबर खड़ा ही था, ख़त्म ही था, तो जनवरी 1918 का समय लगा लो, तो 1918 में इसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। लेकिन फिर रशिया में जिन लोगों ने रशियन एम्पायर समाप्त किया था, द बोल्शेविक्स और उनकी रेड आर्मी, उन्होंने जॉर्जिया में इन्वेजन की और अल्टीमेटली जॉर्जिया को यूएसएसआर का हिस्सा बनाया। तो ये फिर 1922 से 1991 तक यूएसएसआर का हिस्सा रहा है। लेकिन क्या नाम दिया रशिया ने इन कॉकेसस के आगे की तीन इन कंट्रीज़ को, दैट इज़ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, इनको नाम दिया ट्रांस कॉकेशियन, ट्रांस कॉकेशियन, और वो सबका नाम क्या रखते होते थे, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये ट्रांस कॉकेशियन फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के रूप में कहलाए। इसीलिए इनके एशिया में इंडिपेंडेंट कंट्री होने के बावजूद भी हम इन्हें रशिया के साथ पढ़ रहे, क्योंकि रशिया के साथ इनके संबंध मजबूत रहे, ये यूएसएसआर का हिस्सा रहे, उसके तहत इनका मोड ऑफ प्रोडक्शन सोशलिस्ट रहा, यहाँ पर समाजवाद रहा। 1991 में जब ये यूएसएसआर से अलग हो गए, बाहर आ गए, तब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़े। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम इन्हें यूएसएसआर के साथ पढ़ रहे हैं, यानी कि रशिया के साथ पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ हम इसे रशिया के साथ क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं मानक? वेरी गुड। एक समय में रशियन एम्पायर और एक समय में यूएसएसआर। 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, जॉर्जिया ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। क्लियर, इतनी स्टोरी हमें क्लियर हो गई, हमने लोकेशन डीमार्केट कर ली। अब हमें क्या समझना है, देखिए जॉर्जिया एक केस स्टडी है कि ये पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड एरिया है, पॉलिटिकल अनरेस्ट ही इसकी इस चीज़ को प्रभावित कर रहा है कि ये ग्लोबल इकोनॉमी के साथ उस मैनर में इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा जैसा इसने चाहा था। उसका कारण क्या है, देखिए जनसंख्या में ये छोटा मुल्क है, साइज़ में भी छोटा है, इसके वजह से यहाँ पर अगर कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट रहेगा, MNCs यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगी, इसका स्टेबल रहना ज़रूरी है। ऐसे में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बुरी तरह प्रभावित करती है, और यहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कैरेक्टर भी अलग है। वो कैसा, यहाँ पर होने वाले एथनिक क्लैशेस, सो ये कंट्री एथनिक क्लैशेस से जूझ रही है, इसी कारण से पॉलिटिकल अनरेस्ट है। रशिया का यहाँ बहुत दखल है, और वो मैं अब आपको समझाता हूँ क्या, ध्यान से समझिए। देखिए रशिया से इसने खुद को आज़ाद तो करा लिया, लेकिन रशिया अपने इंटरेस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं कर पाया। उसका कारण था, यूएसएसआर का हिस्सा होते हुए ही रशिया ने यहाँ पर अपने इम्पॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस बनाए थे, और आज भी वो मिलिट्री बेसिस यहीं पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। कहाँ पर, अबखाजिया में और साउथ ओसेतिया में, ख़ास तौर पर अबखाजिया में, पहली चीज़ ये। लेकिन आप कहेंगे कि एक इंडिपेंडेंट मुल्क में किसी और के मिलिट्री बेसिस कैसे, उसको समझना ज़रूरी है। देखिए जॉर्जिया में मेजॉरली 85% के अराउंड जो कम्युनिटी है वो जॉर्जियन एथनिसिटी और क्रिश्चियनिटी ही को फॉलो करती है,
जो रिलीजन यहाँ फॉलो होता है दैट इज़ जॉर्जियन ऑर्थोडॉक्स, यानी कि क्रिश्चियनिटी की ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ब्रांच। एथनिकली 85% पॉपुलेशन जॉर्जियन ही है, लेकिन समस्या ये है कि इसके अलावा यहाँ पर आपको जो पॉपुलेशन मिलती है वो अजरबैजानी भी मिलते हैं, अर्मेनियन भी मिलते हैं, अबखाजियन भी हैं, ऑसेटियंस भी हैं, रशियंस भी हैं। तो ये एक जो ग्रुप ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज़ है यहाँ पे वो भी एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके तहत होता ये है कि जो अबखाजिया का और साउथ ऑसेटिया का इलाका है उसको जॉर्जिया ने ऑटोनॉमी अकॉर्ड की हुई है।